हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विद टीचर। टुडे वी लर्न द सेकंड कंपोनेंट AWT कंपोनेंट, दैट इज चेक बॉक्स। ओके, सो अ चेक बॉक्स इज अ कंट्रोल दैट इज यूज टू टर्न एन ऑप्शन ऑन और ऑफ। ओके, सो चेक बॉक्स एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी मदद से हम लोग उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं या फिर अनटिक कर सकते हैं। एंड यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस विद द हेल्प ऑफ चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में हम लोग मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो देर इज अ थ्री कंस्ट्रक्टर वाइल परफॉर्मिंग विद द चेक बॉक्स कंपोनेंट। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर दैट इज चेक बॉक्स एम्प्टी पैरामीटर, सेकेंड कंस्ट्रक्टर चेक बॉक्स हैविंग सम लेबल्ड, थर्ड कंपोनेंट दैट इज चेक बॉक्स एंड बुलियन ऑन। अगर बाई डिफॉल्ट आप लोगों को पर्टिकुलर चेक बॉक्स को ऑन रखना है ऑप्शन को, तो हम लोग यहाँ पे बुलियन ऑन या फिर ऑफ यहाँ पे लिखने वाले हैं। सो दीज थ्री कंस्ट्रक्टर आर यूज टू परफॉर्म विद द चेक बॉक्स। सेकेंड, मेथड्स ऑफ द चेक बॉक्स। फर्स्ट मेथड बुलियन गेट स्टेट। ओके, बुलियन गेट स्टेट इज यूज टू गेट और रिटर्न द स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर चेक बॉक्स। सेकेंड, सेट टेस्ट। सेट टेस्ट मेथड इज यूज टू सेट द स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर चेक बॉक्स, मीन्स ऑन और ऑफ। सो गेट स्टेट इट रिटर्न्स द स्टेट ऑफ चेक बॉक्स, सेट टेस्ट इट सेट द स्टेट टू दैट पर्टिकुलर चेक बॉक्स। थर्ड मेथड दैट इज गेट लेबल। ओके, सो इट इज यूज टू गेट द लेबल ऑफ दैट चेक बॉक्स। फोर्थ मेथड सेट लेबल। सेट लेबल मेथड इज यूज टू सेट द लेबल टू दैट पर्टिकुलर चेकबॉक्स। ओके, सो दीज आर दी मेथड्स ऑफ दी चेकबॉक्स। द वैल्यू ऑफ ऑन डिटरमाइन इनिशियल स्टेट दैट इज ट्रू और फॉल्स। जो भी आप लोग बुलियन वैल्यू देने वाले, एक तो आइदर ट्रू देना है या फिर फॉल्स देना है अगर आपको ऑन और ऑफ रखना है वहाँ पे। सो दीज आर दी कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स ऑफ दी चेकबॉक्स। लेट सी दी प्रैक्टिकल ऑन दी चेकबॉक्स। सो हियर अगेन स्टार्ट विद दी importing the packages. First we need the AWT package, second we need the applet package, then second step to write the applet code, applet tag. So here we write the applet code and the pass the class name, width of applet and height of applet, then applet tag close. Next, create the class. How to create class? Public class, class name that is checkbox demo 4, extend the applet class. We are extending the applet class. So here again same like your button. Okay, here we use the checkbox class and here we use the objects. Jitne number of checkboxes aap logo ko create karne hai, utne number of object yaha pe aap logo ko kya karna hai, pass karna hai. To yaha pe class ka naam that is checkbox c1, c2, c3, c4 means I am going to insert 4 checkboxes onto the applet window. Next, that is public void init method. Okay, so in init method create the instance of object using new keyword. So here c1 object name, that is first checkbox object name, is equals to new checkbox in bracket the name of that checkbox. Again c2 is equals to new checkbox in bracket name of checkbox. Again c3 is equals to new checkbox, then dbms, C4 new checkbox, AJP. So these are the labels or name of that particular checkboxes. Okay, so here we only created the checkboxes. Now we are going to insert that checkboxes onto the applet window. अभी हम लोगों को वो checkboxes applet window में insert करने हैं, तो उसके लिए we use the add method. So write here add in bracket pass the first object that is c1, again add, pass the second c2, add c3, add c4. So like that you can insert number of checkboxes on the applet window. Then close the init method, then close the class. So save this program in C folder, bin folder. Then again go to the command prompt, and in that command prompt write here java c program name. Program ka naam kya hai hamara? Checkbox. Yes, so class name and the program name is same, that is checkbox demo 4. So here write checkbox
demo4.java, press enter. Again applet viewer, again यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, applet viewer प्रोग्राम का नाम सिर्फ चेंज करना है, चेक बॉक्स डेमो फोर, प्रेस एंटर. सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, दैट इज वी कैन एड द चेक बॉक्सेस ऑन टू द एपलेट विंडो, नंबर ऑफ चेक बॉक्सेस ऑन टू एपलेट विंडो. सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल.